अगर आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी कि SBI के अकाउंट होल्डर हैं तो बैंक के ATM डेबिट कार्ड इस्तेमाल करते हैं तो ये खबर आपके लिए है। दरअसल SBI बैंक ने कहा है कि कस्टमर्स अपने पुराने मैग्नेटिक ATM डेबिट कार्ड को जरूर बदलवा लें। कस्टमर्स को ये काम 31 दिसंबर 2019 तक करना है क्योंकि वो नए साल से अपने पुराने ATM डेबिट कार्ड से पैसा नहीं निकाल पाएंगे। SBI ने ट्वीट कर कहा, जिन ग्राहकों के पास पुराने मैग्नेटिक कार्ड हैं, उसे तुरंत बदलवाना होगा। इसकी जगह ग्राहकों को EMV चिप वाला डेबिट कार्ड लेना होगा। इसकी आखिरी तारीख 31 दिसंबर 2019 है। दरअसल SBI बैंक ATM डेबिट कार्ड पर किसी भी तरीके के फ्रॉड से बचने और पहले से ज्यादा उसको सेफ बनाने के लिए नए EMV चिप वाला कार्ड जारी कर रहा है। ये नए चिप वाले ATM डेबिट कार्ड अभी बगैर किसी चार्ज के फ्री में बनाए जा रहे हैं। तो चलिए आपको बताते हैं कि कैसे आप ये कार्ड बनवाने के लिए अप्लाई करें। सबसे पहले कस्टमर्स को ये कार्ड बनवाने के लिए अपनी होम ब्रांच में जाकर अप्लाई करना होगा। होम ब्रांच यानी कि जिस ब्रांच में आपका अकाउंट है, वहां जाकर नए ATM डेबिट कार्ड के लिए अप्लाई करना होगा। अगर आप नेट बैंकिंग का इस्तेमाल करते हैं तो ATM डेबिट कार्ड के लिए ऑनलाइन भी आवेदन कर सकते हैं। बस EMV कार्ड को अप्लाई करने से पहले ग्राहकों का वर्तमान पता अपडेटेड होना चाहिए। ऐसा इसीलिए कहा जा रहा है क्योंकि नया कार्ड ग्राहक के रजिस्टर्ड पते पर ही भेजा जाएगा और अगर पता गलत हुआ तो फिर ग्राहक को कार्ड नहीं मिल पाएगा और वो वापस बैंक के पास चला जाएगा। दरअसल ऐसा देखा गया है कि मैग्नेटिक स्ट्रिप डेबिट कार्ड से फ्रॉड के कई मामले जब तब सामने आते रहे हैं और ऐसे में SBI की तरफ से की जा रही इस पहल के पीछे कोशिश भी है कि आपकी तरफ से किए गए ऑनलाइन ट्रांजैक्शन और ज्यादा सेफ हों, साथ ही पेमेंट में होने वाली फ्रॉड की समस्या भी खत्म हो। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप फेसबुक पर यह वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।